अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने कुछ पॉट्स ऑनलाइन मंगवाए हैं, आप ये देखिए, ये प्लास्टिक के पॉट्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ये पॉट्स हैं। और मैं चाह रही थी, बहुत सारे मेरे ऐसे प्लांट्स, कुछ सैकुलेंट्स हैं और मनी प्लांट है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हम इसमें लगा के बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में रख सकते हैं और देखने में भी ये पॉट्स बहुत अच्छे हैं। तो इनको लगाने के लिए सबसे पहले हमें करना है नीचे होल, और होल आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, आप छुरी गर्म करके चूल्हे पर उससे कर सकते हैं, मैं स्टूल की मदद से कर रही हूँ। और होल थोड़े ज़्यादा करने हैं, ठीक है? तो ये नहीं कि हम एक दो होल करें, इसलिए कि होता ये है कि हम कम होल करेंगे तो हमारे प्लांट ख़राब होने का भी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिसमें प्लांट पानी जो है वो आसानी से उड़ता नहीं है और काफ़ी अंदर तक देर तक रहता है, लिहाजा इस तरीके से मैं इनके अंदर होल्स कर रही हूँ। इसमें तो हमने होल कर लिए हैं, अब हमें प्लांट लेने हैं। कौन कौन से पॉट्स जो ऊपर रखे हुए हैं उसमें से हम लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर से बहुत सारे ऐसे पॉट्स जो अच्छे नहीं लगते वो मैं हटा दूँगी। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से पॉट लें और उसमें लगाएं। ये वाला मैं सोची हूँ, ये वाला मनी प्लांट ले लेती हूँ, ये वाला पॉट, और इसको हम उतार लेते हैं। ये देखिए, अच्छा इसी के साथ मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पानी में मनी प्लांट जो है आप ग्रो करती हैं तो हमारा तो नहीं होता, लेकिन आप देखिए ये छोटी सी बॉटल है, अब आप ये देखिए इसके अंदर मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है और देखिए इसके अंदर इसकी रूट्स बन गई हैं सारी। ये देखिए, पानी को मैं हर दो दिन बाद चेंज करती हूँ और यहाँ पर हल्की सी मतलब जी नॉर्मल सनलाइट आती है, ये नहीं कि यह बहुत शेडी है जब मैंने रखा हुआ है, और इतना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए रखा हुआ। तो रूट्स बहुत इजीली बन जाती हैं अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में नहीं रखेंगे। चले, एक हमने ये पॉट ले लिया है और अब लेते हैं हम दूसरा कोई पॉट। अच्छा, अब यहाँ आगे आते हैं, मैं सोची हूँ कि ये वाला ले लेती हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी अजीब सा हो रहा है हमारा टर्टल वाइन का, हम इसको भी ले लेते हैं, इसको और टर्टल वाइन का ये वाला जो पॉट है इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है? चलें, इसको हम वहाँ लेके चलते हैं। अब इसके बाद हम कुछ कैक्टस ले लेते हैं, ठीक है? कैक्टस की भी काफ़ी वैरायटी है मेरे पास, बहुत सारी तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है, तो हम ये वाला कैक्टस निकाल लेते हैं, ये वाला, ठीक है? ये वाला ऊपर से इस तरीके से एक ये निकाल लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। और कौन सा लें, और कौन सा लें, ये वाला भी ले लेते हैं, ठीक है? ये वाला कैक्टस भी ले लेते हैं। चलिए, ये देखिए, ये मैंने कुछ प्लांट्स कलेक्ट किए हैं और अब हम इनको लगाएंगे। मनी प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह के पॉट्स में रखा हुआ, और भी कुछ प्लांट्स हैं, तो चले अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आप देखिए, मैं ले लेती हूँ, ये मैंने लिए हैं कुछ टूटे हुए गमले के टुकड़े, और आप इसको ब्लॉकेज करने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, आप मार्बल रख सकते हैं, आप कोई भी तरह के स्टोन्स रख सकते हैं, कुछ भी चाहे, बस हमको पीछे ब्लॉक करना है ताकि मट्टी नीचे से ना निकले, लेकिन ऐसा ब्लॉक नहीं करना कि पानी भी ना जाए, पानी को नीचे से ड्रेन आउट ज़रूर होना है, ठीक है? और इसके बाद देखिए, ये मैंने लिए है सॉइल, और ये सॉइल जो ली है इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो मैंने इसमें सैंड ली है, अपने सैंड ली है, इसके अलावा मैंने कोकोपीट ली है और मैंने कॉम्पोस्ट लिया हुआ है। आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, जो चाहे लेना चाहे ले सकते हैं, तीन चीज़ों का मिक्सचर है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले रखेंगे ये छोटे छोटे, जहाँ जहाँ मैंने होल किए हैं वहाँ थोड़े थोड़े से स्टोन्स रख देंगे हम। चलो, ये रखा, सही है, ये हमने रख दिए स्टोन्स। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी सॉइल, ये वाले, चलिए थोड़ी सी सॉइल डालेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, ये हमने डाल दी थोड़ी सी सॉइल, और अब जो है ये है हमारा पॉट, इस पॉट से हमें निकालना है मनी प्लांट को।
हल्के हल्के से हम साइड से इसको ऐसे करेंगे ताकि हमारा पॉट ईजिली पूरा निकल आए, एक साथ ही प्लांट पूरा निकल आए, इसकी रूट जो है वो डैमेज ना हो। अब अपने फिंगर हैंड को लीजिए, अपने इन प्लांट्स के दरमियान में ऐसे यहाँ बीच में रखिए, यहाँ बीच में, सही है, पूरा आपने ये कर लिया। अब आप इसको हल्के से ऐसे कीजिए, हल्के हल्के ऐसे प्रेस कीजिए, सही है, ये करेंगे आप, ये देखिए आपका प्लांट निकल आएगा बहुत ईजी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें हल्की हल्की सी इसकी मट्टी निकालनी है, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छी सैंडी सॉइल मैंने बनाई थी, अभी देखिए कितनी ईजिली निकल रही है। हमने इसको थोड़ा सा ऐसे किया और ये सारे शैलो रूटेड प्लांट्स हम इसमें लगाएंगे, कोई बड़े बड़े प्लांट जिनकी बहुत ज़्यादा रूट्स होती हैं उनको नहीं लगाना है, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा पूरा मनी प्लांट निकल आया है और अब हम इसी को इसमें लगाएंगे। ये देखिए रूट्स हैं इसकी, हमने रखना है ये इसको ऐसे, ठीक है, ये रखना है हमने इसको, और हम डाल देंगे इसमें नई सॉइल जो हमने रखी है। कुछ सॉइल इसमें से भी ले सकते हैं, ये सॉइल भी बहुत बेहतरीन है, और इसके ऊपर से आप डालें। चलें अब कुछ सॉइल मैं इसमें से डाल देती हूँ, इसलिए ये सॉइल भी मैंने अच्छी बनाई हुई है, यही कॉम्बिनेशन इस सॉइल का भी है, और कुछ हम इसमें से डाल देते हैं। हल्का सा आप गमलों को ऐसे पटके, अब आप देखिए इसमें थोड़ी सी जगह बाकी है, ठीक है, पूरा ऊपर तक फुल नहीं करना है, थोड़ी सी देखिए इन थोड़ी सी जगह चाहिए ताकि हम पानी डालें, अभी मट्टी नीचे भी बैठेगी तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हम डालेंगे इसमें पानी, पानी पहली दफ़ा में आपने इतना डालना है चूँकि सॉइल भी ड्राई थी कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। देखिए मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, इतना पानी हमने डाल दिया, थोड़ी देर में नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, बस आपने इतना पानी डालना है इसको। और अब इसको हम दे देंगे शेडी एरिया में ताकि अभी चूंकि नया नया प्लांट लगाया है थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा जब तभी हमने नया किया है तो इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे। वैसे भी मनी प्लांट शेडी एरिया में ही रखा जाता है, लेकिन बाकी जो प्लांट्स हैं उनसे सेकुल जो हमने कैक्टस रखे हुए हैं वो शेडी एरिया में रखने के बाद वापस हमें थोड़ी देर रखेंगे शेडी एरिया में, अगले दिन हम उसको वापस यानी हाथ में 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। चलिए ये हो गया हमारा प्लांट, अब मैं बाकी प्लांट भी ऐसे लगाती हूँ और फिर आपसे को दिखाती हूँ कि हमारे प्लांटर्स कैसे लग रहे हैं।